इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रोपेगेंडा चला रहा है। ध्रुव राठी जी, आपने इस वीडियो में नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किए हैं। वो एक प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको उस गरिमा का सम्मान करना चाहिए। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। कम से कम हमें तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए। अब वो मन से खड़े होकर सफेद झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं कि दूसरी पार्टी आएगी, मंगलसूत्र महिलाओं को छीन लेगी, और खुद की धर्मपति को उन्हें अपने साथ नहीं रखा है, वो उनका पर्सनल मैटर है। वो प्रधानमंत्री पद के साथ जो कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको उस व्यक्तिगत मैटर में दखल नहीं देना चाहिए, और अभी देश में वो हालात नहीं है कि आप किसी प्रकार का दखल दें। आपका ये प्रोपोगंडा पूरी तरह से उजागर हो गया है कि अब आप हर हालत में प्रधानमंत्री जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सभी वीडियो उन्हीं के इर्द गिर्द जा रहे हैं। आपने कभी बीजेपी की तारीफ नहीं की। बीजेपी ने कई सारे काम भी कराए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100 मिलियन कनेक्शन हुए हैं। इसका फायदा पर्यावरण को भी मिला है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हुई हैं। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए हैं। बीजेपी की सरकार ने 11 करोड़ ग्रामीण आबादी में पानी का कनेक्शन दिया है। बीजेपी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बांटे जिससे लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। ये वही बीजेपी की सरकार है जिसने 430 मिलियन लोन्स दिए हैं। किसके लिए? जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपको बीजेपी के काम नहीं दिख रहे हैं, केवल आप आलोचना में लगे हुए हो। हाँ, ये बात मानता हूं कि इस सरकार के कई सारे फेलुअर हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई। प्रधानमंत्री कभी मन से खड़े होकर नहीं बोले कि नोटबंदी के क्या फायदे थे, हमें वोट दो। किसान बिल लाए थे, कभी नहीं उन्होंने मन से कहा कि किसान बिल के ये फायदे थे, हमें वोट दो। कुछ जो फेलुअर हैं इन उपलब्धियों के अलावा, वो बीजेपी के फेलुअर दिखते हैं कि अगर स्टार्टअप भारत में अच्छे से शुरू हुए थे तो कई सारे स्टार्टअप भारत में डूबे भी हैं। इसके अलावा संकट भारत पर बना हुआ है। जो कोरोना आया था, शहर में लोग नौकरी करने गए थे, वो लौटकर गांव आए तो गांव पर एक अजीब सा वर्डन पड़ा इकोनॉमी में, जहां रोजगार की तलाश और ज्यादा कठिन हो गई। तो शंका उत्पन्न होती है कि जो आंकड़े हमको दिखाए जा रहे हैं सफलता के, अचीवमेंट के, किसी भी प्रकार के आंकड़े, उन पे तब और शंका हो जाती है जब कथनी और करनी एक नहीं होती। आप सुनिए इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं और इसकी हकीकत क्या है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है। ये एम्स बना हुआ है, देखिए सब बिल्डिंग बना हुआ है, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है, देखिए। ठीक इसी प्रकार से जेपी नड्डा जी को आप सुनिए और उसकी हकीकत को सुनिए। दैट 1,264 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister. हम भी इस साइट पर पहुंच चुके हैं और हमें सिर्फ इस चार दीवारी के अलावा और उस बोर्ड के अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। सिर्फ एक लंबी सी चार दीवारी है और अंदर से भी मितेश ने किसी तरह की ईंट पत्थर कुछ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 2015-16 के बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार ने एम्स मदुरई की स्थापना की करने की घोषणा की थी कि मदुरई में एम्स की स्थापना की जाएगी। इसके बावजूद भी कमल मुरझा नहीं सकता। क्यों नहीं मुरझाएगा कमल? कमल और अच्छा तब खिलता है जब आसपास कीचड़ और लीचड़ हो। और बीजेपी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, बलात्कारियों को अपनी पार्टी में शामिल किए हुए हैं, अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरे मन से क्या बोला था सुनिए आप खुद। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है।
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। और वही अजीत पवार बाद में बीजेपी में आके शामिल हो गया, तो वो कीचड़ी तो है, गंदगी तो है वो इस समाज की, जो इस समाज को भ्रष्टाचार की गंदगी से मैला कर रहा है। प्रज्वल रेवन्ना जो कि बलात्कारी है, 1000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किए, उसके वीडियो वायरल थे, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे हैं, सुनिए। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी, आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी गुंडे मवाली हैं, वो सब कचड़ा आकर बीजेपी में आ गया, वही कचड़ा दलदल का रूप ले लिया है, और वो कीचड़ इतना अच्छा है कि कमल मुरझाने के चांस ही नहीं है। और कमल मुरझाएगा भी कैसे, क्योंकि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के चाटुकार हैं, जिन्हें देश की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्तिगत परिवार की परवाह है कि हम चाटुकारिता करते रहें, मोदी जी को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते रहें, उन्हें लगे मोदी जी की तारीफ हो रही है तो उन पर कृपा बरसती रहेगी, और वो ऐसे ऐसे बयान देने लगे जिससे कि हम जिसके लिए बीजेपी को लेकर आए थे, हम का मतलब जो हिंदू समाज बीजेपी को लेकर आया था, जिससे कि हिंदू धर्म संस्कृति का संरक्षण रहे, बाद में मालूम चला ये मजाक चल रहा है, राम मंदिर अधूरा उद्घाटन कर दिया। भाई राम मंदिर में जो कलश रखा जाता है, उन कलश का कॉन्सेप्ट होता है, मंदिर मूर्ति के नीचे 9 ग्रह कलश होते हैं, शिखर पर एक कलश होता है, और दोनों कलशों के बीच में जो सामंजस्य होता है तब भगवान अवतरित होते हैं, ऊपर का कलश है ही नहीं है तो भगवान वहां कहां है, वो केवल मूर्ति ही तो है। इससे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए और क्या मजाक हो सकता है। और अब हिंदू धर्म को तो इस स्तर पर ला दिया गया है कि बीजेपी के अधिकांश नेता मोदी जी को भगवान मानने के लिए तुले हुए हैं। देखिए साहब, माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में हैं जी, ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं। कोई हमारे लिए अच्छा करे तो वो भगवान हम हो सकता है, लेकिन वो भगवान का रूप नहीं हो सकता है। और ये बीजेपी के नेता जो चाटुकार हैं, जिन्हें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, मोदी जी को झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और उसमें हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। सुनिए बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मोदी जी के लिए कैसे बोला जा रहा है कि किस किस के अवतार है मोदी जी। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे आपके बीच में काम करने के लिए आया है। तो उसमें क्योंकि ये दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में ये बात लगभग कॉमन जैसे थी, तो बचपन से मेरे मन में ये बात थी कि वो आदमी कौन है जिसका भारत में जन्म हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक था, कुछ तो ऐसे चाटुकार हैं जिन्होंने मोदी जी के मंदिर तक बना दिए हैं। अच्छा, ये मोदी जी को झाड़ पे चढ़ाने की एक कला है और काम निकलवाना है। भाई इस प्रकार के अगर हम वंदना अभिनंदन चाटुकारिता करेंगे तो उससे हमें काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी ना, इससे हमारे भगवान का क्या, भगवान इतना सस्ता है। मोदी जी तो सरेआम झूठ बोलते हैं मन से खड़े होकर, क्या भगवान हमारा झूठ बोल सकता है, तो ये भगवान का अपमान है। हमारा देश वो है जहां आसाराम बापू जैसे लोगों को भगवान मान रहे हैं, वो हवसी बलात्कारी राम रहीम जैसे लोगों को भगवान मान रहे हैं। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि भगवान को कितना सस्ता कर दिया गया है कि आज भगवान सभी अखबारों में तुमको खाज खुजली मल्लम के एड में दिख जाएंगे, मतलब हमारे भगवान खाज खुजली बेच रहे हैं, आपको कटआउट के रूप में हमारे भगवान चौराहे पर खड़े दिख जाएंगे। इतना सस्ता हो गया है हमारा भगवान की हर गली मोहल्ले हर रोड चौराहे पर हर अखबार के एरे गेरे प्रचारों में हमारा भगवान खड़ा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे भगवान श्री राम ड्रीम 11 पर टीम बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस प्रकार से हमें हिंदू धर्म का झांसा देकर हमारे साथ एक मानसिक बलात्कार किया जा रहा है, हम ज्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे और उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। हर बार मोदी जी की तुलना ये फलाने अवतार हैं, ढिकाने अवतार हैं। फिर इस संबित पात्रा को सुनिए क्या बोल रहे थे। दरअसल संबित पात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान जगन्नाथ पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। यह कहते सुने जा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं।
मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जगन्नाथपुरी जो भगवान है वो मोदी जी के भक्त हैं, और आप बोल रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, हमसे गलती से हो गया। गलती से नहीं, तुम लोग हर बार ये कोशिश करते हो कि मोदी जी ये वाले भगवान है, मोदी जी वो वाले भगवान है, चने के झाड़ पे चढ़ा के रखा हुआ है मोदी जी को, और मोदी जी ये समझने को तैयार नहीं है कि इससे हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। एक बार भरे मन से आकर बोलें कि इस प्रकार का भाषण देने वाले को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। भगवान एक ही बार अवतारित होते हैं, और हम जैसे जो हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, और मैं किसी भी हालत में भगवान नहीं हूं। आप तो पल पल पर झूठ बोलते हो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूं, मैं सैचुरेशन की बात करता हूं, 100% डिलीवरी। इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, नो। उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी है तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेक्युलरिज्म है। फिर बाद में अगले ही दिन आप हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए भाषण देते हो। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, आप अटेंशन के लिए राजनीति करते हो, आप झूठ बोलते हो। अगर बोलते हो तो स्वीकार करो, उसका परिणाम ये होगा छुटमुचे नेता हैं वो झूठ बोलेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। सुनिए इस नेता ने APJ अब्दुल कलाम के लिए क्या बोला। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर वन का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। इसी प्रकार से साध्वी को देखिए जो महात्मा गांधी को गोली मार रही है। अगर हमें कठोर निर्णय नहीं लिए तो स्वाभाविक है कि ये देश बहुत लंबा नहीं जाएगा। हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना होगा। मोदी जी आप भी आगे चल के हमारे पूर्वज बनेंगे तो हम आपका वैसे ही सम्मान करना चाहते हैं जैसा अभी वर्तमान में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे लिए सम्माननीय हो, हमारे पूर्वज हो, हमारे अग्रज हो। आप झूठ बोलोगे तो आपको देखकर हम भी सीखेंगे झूठ बोलने के लिए। और सोचो ये पूरा देश जो विश्वगुरु बनने वाला है वो झूठों का देश हो जाएगा। और भगवान से तुलना करते हैं फिर बाद में माफी मांगते घूम रहे हो कि हमसे गलती हो गई है, उपवास रखेंगे। अरे ड्रामा ये सब, किसी व्यक्ति की भगवान से तुलना करनी ही क्यों? क्या भगवान इतना सस्ता हो गया है? हिंदू धर्म का संरक्षण करने वाले हिंदू धर्म का मजाक बनाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म ना हुआ मोहल्ले की भाभी होगी, कोई भी आके मजाक कर दे।